लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन जीरो, जो कि एनवायरनमेंट सेटअप हमने कर लिया था. एनवायरनमेंट सेटअप मींस जहाँ पे हम कोडिंग करेंगे और हमारा कोड और एप्लीकेशन जो है वो रन हो सकेगा. इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि आपको नोड जेएस जो है डाउनलोड करना है, एंड दूसरा जो था नोड जेएस को इंस्टॉल करना. नोड जेएस एक आप कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो एप्लीकेशन बनाने के लिए जो भी लाइब्रेरीज पैकेजेस इनबिल्ट चाहिए वो सारा प्रोवाइड करता है. तीसरा, हमें कोड लिखने के लिए कोड एडिटर या टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है, और हमने चूज किया था वीएस कोड जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ वीएस कोड. ये बहुत ही पॉपुलर और ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और कोई भी कोड लिख सकते हैं इजीली. इसके कुछ प्लगइन्स होते हैं और दैट्स इट. इसको हमने डाउनलोड करना एंड इंस्टॉल करना देखा था. देन फाइनली हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम एनवायरनमेंट सेटअप किया और एक सिंपल प्रोग्राम रन करके हमने देखा है फर्स्ट प्रोग्राम. अब आप में से जितने लोग इसे हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं जाएगी, और जो सिर्फ सेशन अटेंड कर रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे, एनी रीज़न, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है या कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उनके लिए आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो आपको डिफिकल्टीज हो सकती है. लेकिन नो वरीज, उनके लिए भी नेक्स्ट बैच जो होगी वो नेक्स्ट मंथ में शुरू हो सकती है, जो रिपीट होगा यही पार्ट. तो आज का जो सेशन है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि हमें ये फाइव टॉपिक जो है प्रायोरिटी पे डिस्कस करने हैं. वेरिएबल, डेटा टाइप, तीसरा कौन सा है ऑपरेटर, फोर्थ वन जो है वो है स्टेटमेंट, एंड फिफ्थ जो है वो फंक्शन है. इट इज अ वेरी सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज. आप लोगों को पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको सीखना है तो कुछ रूल्स होते हैं उसके, और उस रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामर. वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स है जिसे कहा जाता है सिंटैक्स. सेम सिमिलरिटी है इसमें. जो भी रूल्स है आज से हम लोग एक एक करके चैप्टर को कवर करते जाएंगे. अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो, अनम्यूट हो के आप बात कर सकते हैं, बट आप ये ध्यान रखिए कि आपके आजू बाजू में कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आवाज ना दे, क्योंकि सेशन बाकी लोगों को भी तकलीफ ना हो. हम चाहते हैं कि ये इंटरैक्टिव बने, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे बोल सके, अपने क्वेरीज सॉल्व कर सके. तो चलिए, आज का वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आज का सेशन है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, सेशन ये हमारा फर्स्ट सेशन है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वेरिएबल क्या है, व्हाट इज वेरिएबल. अब वेरिएबल है क्या? सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, पर्टिकुलर डेटा पे काम करती है. यानी कि जो डेटा है, चाहे आपका नंबर हो, चाहे आपका स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, बुलियन हो, इमेज हो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा पे प्रोसेस करती है. अभी वेरिएबल जो है, जब भी आप वेरिएबल बनाते हो, वो हम देखेंगे, वो बनता है एक स्पेसिफिक हार्डवेयर पे जिसका नाम है रैम. क्या आप लोगों को रैम पता है, आपके मोबाइल में है या आपके सिस्टम में है? जी बिल्कुल. तो जो भी डेटा, जिस डेटा पे हमें काम करना है, वो डेटा एक रैम पे, एक शॉर्ट मेमोरी पे, एक छोटी जगह पे हम जो है वो स्टोर करते हैं पर्टिकुलर डेटा. फॉर एग्जांपल, दो नंबर का हमें एडिशन करना है तो हम क्या करते हैं, या इंटरनली ये जो नोड जेएस है ये क्या करता है कि रैम में पर्टिकुलर लोकेशन पे जो है ऐसे वैल्यूज भर देता है, ऐसे सिंपल. और एक बेसिक सा प्रोग्राम देखेंगे, और इसका अगर हम एडिशन करेंगे तो तीसरी जगह पे भी वो चला जाता है ऐसे. ये दोनों का एडिशन मिला के 30 हो जाएगा.
रैम में ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक बनते हैं मेमोरी के, और उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं और उस पे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो डेटा एक्सेस करना होता है, स्टोर करना होता है, तो उसे हम कुछ नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, या लेट्स से मैं अभी थोड़ा सा न्यूमेरिक देता हूँ, नम वन, ये नंबर वन है हमारा, ये नम टू है, और ये दोनों का एडिशन जो है वो बनेगा आपका सम। तो मैंने ये जो लोकेशन है, ये जो नेम है, देखो नम वन मैंने इसे नाम दिया, नम टू मैंने इसे नाम दिया, सम इसे नाम दिया, तो ये जो नाम होते हैं इन नामों को ही वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि उस जगह पे डेटा जो है स्टोर करते हैं। तो चलिए मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ वेरिएबल का। सिंपली नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर स्टोर डेटा, दैट नेम वी कॉल्ड वेरिएबल। देखिए हम वेरिएबल किसे कहते हैं, लिख दिया है। अब हम अलग अलग वेरिएबल इस्तेमाल करके देख लेते हैं। आपको वीएस कोड दिखाई दे रहा जी सर, है? सबसे पहले आप जब वेरिएबल लिखते हो, वेरिएबल लिखने का बहुत सिंपल तरीका है, कोई भी डेटा अगर स्टोर करना है तो वेरिएबल का स्कोप लिखा जाता है पहले। वेरिएबल स्कोप, स्कोप मतलब कि ये कहाँ तक एक्सेस किया जा सकता है, कितने दूर तक वो पर्टिकुलर डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं, उसे वेरिएबल स्कोप कहते हैं। तो वेरिएबल स्कोप भी ज्यादा नहीं है, वायर लेट एंड कॉन्स्ट ये दो ही, और कॉन्स्ट जो है वो कॉमनली हम यूज करते हैं जो कि अनमोडिफाइड होता है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वेर लेट एंड कॉन्स्ट ये स्कोप होते हैं। देखो पहले लिखा जाता है वेरिएबल स्कोप और उसके बाद वेरिएबल का नाम, ये सिंटैक्स है। इसमें नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने नम वन दिया है, दैट्स इट। तो इसका एग्जाम्पल कैसे होगा मैं लिख के बता देता हूँ। अगर आपको वेर लेना है आप वेर ले सकते हो, लेट लेना है लेट ले सकते हो, कॉन्स्ट लेना है कॉन्स्ट ले सकते हो। इसका डिफरेंस हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। सबसे पहले मैं लेट ले लेता हूँ, ये स्कोप है, इसका मतलब है ये सिर्फ लोकल लेवल पे ही इसका इस्तेमाल होगा। लेट नम वन ये मैंने वेरिएबल लिया, दूसरा वेरिएबल लिया मैंने लेट नम टू, लेट नम थ्री या हम सम नाम का लेते हैं। इसके बाद ये है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि हमें इतने वेरिएबल की जरूरत है दो नंबर को एडिशन करने के लिए। दो नंबर को एडिशन करने के लिए हमने तीन वेरिएबल ले लिए हैं, यही हम कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना, टेक्निकल लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो आपको सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन आना चाहिए कि आपको कितने वेरिएबल चाहिए। मैंने स्कोप दिया लेट नम वन नम टू, फिर उसके बाद इस वेरिएबल को डिफाइन करना होता है, वेरिएबल डिफाइन या इनिशियलाइज। तो अभी इसे टेक्निकल टर्म बहुत ही टफ लग रहे होंगे, लेकिन सिंपल है। जैसे कि नम वन में मैं एक वैल्यू भर देता हूं ऐसे इक्वल टू 10, क्या ये डिफिकल्ट है? नम वन में मैंने वैल्यू 10 भर दी है तो, सर नो अगर वैल्यू भरते हैं तो इसी टर्म को क्या कहा जाता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, और वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। सिर्फ वर्डिंग न्यू है जिसकी वजह से आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बाकी तो सिंपल है। वैसे ही नम टू के अंदर हम यहाँ पे और एक वैल्यू ऐड कर देते हैं, हमने नम टू को भी इनिशियलाइज या डिफाइन किया है। देन सम जो है, सम में हम क्या करेंगे, नम वन प्लस नम टू, इसका आंसर कितना आएगा कोई बता सकता है? 30 30 30। अब इसे हमें थर्टी प्रिंट करना है, कंसोल डॉट लॉग इसे हम प्रिंट करते हैं, तो सम को हम प्रिंट कर देते हैं। देखो हमने पहले वेरिएबल बनाए यानी कि डिक्लेयर किए, मुझे तीन वेरिएबल की जरूरत है इसलिए मैंने तीन वेरिएबल लिए, फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल एंड थर्ड वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल में हमने वैल्यू भर दी है, यानी क्या किया,
इसी अगर किसी वेरिएबल में अगर आप वैल्यू भरते हो तो उसे क्या कहा जाता है टर्म में? डिक्लेरेशन, नहीं, जब हम इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल लेते हैं तो डिक्लेरेशन, जब किसी वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू भरते हैं तो उसे कहा जाता है इनिशियलाइजेशन, या आप डेफिनेशन भी कह सकते हो। सो सर, हाँ बोलिए ना। सर, यूजर इंटरफेस से अगर डेटा लेना है तो उसके लिए कंसोल का यूज कर सकते हैं? कंसोल का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से लाइब्रेरी चाहिए उसके लिए, जो हमें डालनी होगी उसके लिए Node.js से। अभी फिलहाल तो नहीं, बट HTML से ले सकते हो, बट मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा कंसोल वाला इनपुट कैसे लेते हैं लाइब्रेरी से। ठीक है, तो दैट्स इट, हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे अच्छे से। आज हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल, तो मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ वेरिएबल नाम की, variable.js। यहाँ पे तीन वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, लेट नम वन, लेट नम टू, लेट सम, या जो भी आप टोटल लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं वैसे। अब इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ मैं, नम वन में पर्टिकुलर वैल्यू जो है भरी जाएगी, एंड नम टू जो है उसके अंदर भी एक वैल्यू भर देते हैं। फाइनली आउटपुट करना है हमें कंसोल डॉट लॉग, इसको सम कर लेते हैं पहले, नम वन प्लस नम टू, कंसोल डॉट लॉग सम। क्या क्या लिखा है मैंने, पहले वेरिएबल लिखे, ये जो वेरिएबल है ये मेमोरी में बन जाएगी रैम के अंदर, फिर उसके अंदर वो लोकेशन पे हमने वैल्यूज सेट कर दी है, भर दी है, इनिशियलाइज कर दी है, फिर हमने एडिशन किया और वो स्टोर किया है सम में। तो क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है इसका आउटपुट क्या आएगा, एक बार बताइए। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि मैंने एडिशन किया, अब मुझे मल्टीप्लिकेशन करना हो तो कहाँ चेंज करना पड़ेगा? सर ऑपरेटर, ये जो साइन है ये एडिशन कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे माइनस दे देता हूँ सब्ट्रैक्शन वाला तो आउटपुट क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइड दे देता हूँ तो आंसर क्या आएगा इसका? 300 That's it. सर बट सम मतलब लेट सम हमने लिखा है तो वो वैसे ही रहेगा? इट इज ओनली नेम, यू कैन राइट एनीथिंग, कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे मैंने देखो अभी ये नाम हम इसलिए लिखते हैं ना, जैसे सम नम वन की आइडेंटिफाई हो रीड करने करते ही कि यहाँ पे सम किया जाए, बट उसका जो ऑपरेशन है एक्चुअली इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ऑपरेशन। सर वेरिएबल टाइप पे इंटीजर डेटा ले सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, वो डेटा टाइप टॉपिक में हम लोग और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या आप लोगों को ये क्लियर है कि हमने क्या किया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन? सो आप लोग ये जो है, जैसे कि अब हम वेरीफाई करेंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जो जिनके पास सिस्टम है और कोड कर सकते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आप अपना जो आउटपुट है एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये सारा आप कोड लिख के स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। सिंपल है, मैं ऐसा यहाँ पे लिख देता हूँ ये कि ये मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूँ शॉर्ट में ऐसे, तो यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगा। आप ये भी दिख सकते हो कि मल्ट ऑफ, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग आप एक से ज्यादा कर सकते हो कि मल्ट ऑफ नम वन का भी आप दिखा सकते हैं, अच्छे से सजा सकते हैं इसे, ये नम वन का है एंड नम टू, कॉमा सेपरेटेड आप आराम से इसके साथ कर सकते हो, वैल्यू मल्टीपल दिखा सकते हो,
अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है आप लोगों को, जब आप ये रखते हो तो जो डबल कोट में या सिंगल कोट में लिखते हैं ना, वो एज इट इज बोर्ड पे दिखाई देता है, कंसोल में दिखाई देता है। लेकिन अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको दिखानी है ना, तो कॉमा आपको रख के ये डायरेक्टली विदाउट डबल कोट आपको रखना है। देखिए कैसे दिखता है ये 30 दिखाई दे रही है आपको, नम वन की इसके बाद की वैल्यू। अगर मैं इसे डबल कोट में भी कर दूं, तो अगर आप गलती से इसे भी डबल कोट में करोगे, इनिशियल लेवल पे ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, तो देखो वैल्यू नहीं दिखाई देगी वेरिएबल के अंदर, बल्कि एज इट इज वो दिखाई देगा, डबल कोट सिंगल कोट जिसमें भी आप लिखोगे ऐसे। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। हेलो सर, हाँ सर ये ऑपरेशन जो हमने किया है ऊपर मल्टीप्लिकेशन का, अगर हम डायरेक्टली इसको कंसोल में लिखते हैं विदाउट डबल कॉमा सिंगल कॉमा, तो आउटपुट मिलेगा इसका? जी बिल्कुल। अगर आप ऐसा चाहते हो कि नहीं मुझे अभी जगह बचा लेनी है, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, और मैं चाहता हूँ देखो आपके नम वन और नम टू में जो है, नम वन एंड नम टू के अंदर तो नंबर है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सब्ट्रैक्शन जैसे कि, और आप करना चाहते हो ऐसे नम वन माइनस नम टू। अभी नम वन की वैल्यू क्या है आपके हिसाब से, आप बताइए। ऊपर नम वन की वैल्यू हमने क्या रखी है, टेन और नम टू की वैल्यू क्या रखी है हमने, तो अभी इसका हमने सब्ट्रैक्शन अगर करना है तो क्या हमें दिखाई देगा, 20 सब 20 हो चुका है ये। That's it. अब अलग एक यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ लाइन का कोड जो है ये लिखा गया है, क्या हम इसे थोड़ा सा और कम कर सकते हैं? तो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ सिंपल वाला, इसके अंदर वेरिएबल टू डॉट जेएस। देखो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन हम एक साथ कर सकते हैं, लेट नम वन इक्वल टू 10 ऐसे। तो ये डिक्लेरेशन है, याद रखो जब भी स्कोप लिखते हैं लेट वेर या कॉन्स्ट, तो ये डिक्लेरेशन होता है। और इक्वल टू कोई वैल्यू अगर उसे भरते हैं, यानी इनिशियलाइज करते हैं या असाइन करते हैं वैल्यू, तो समझ लीजिए कि वो डिफाइन या इनिशियलाइज कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं, लेट नम टू इक्वल टू 30 कंसोल डॉट लॉग डायरेक्टली नम वन प्लस नम टू, इस तरीके से आप दिखा भी सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग ऐसे, एडिशन ऑफ टू नंबर इज, आप इसे भी देख सकते हैं वेरिएबल टू। अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाइड करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पर बेटर है इनिशियल लेवल पे आप उसे अलग अलग लिखिए, ताकि आपको समझ में आए कि हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे इनिशियलाइज किया, और यहाँ पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है, एंड फाइनली आउटपुट को प्रिंट किया है। सो दैट्स अ बेटर वे इनिशियल स्टेजेस पे, दैट्स इट। अब कुछ रूल्स होते हैं नामकरण करने के, वेरिएबल क्या है तो एक सिंपल नाम होता है जहां पे हम डेटा स्टोर करते हैं, दिस इज अ नेम ओनली वेयर वी स्टोरिंग द डेटा। हाँ, नाम लिखने के कुछ रूल्स है इसके, इसके रूल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना है कि आप ये नाम में नहीं दे सकते। सबसे पहले एक नोट करके रखिए, अगर आप वेब डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, व्हाइट स्पेस जो होता है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, या आप नॉर्मल स्पेस भी बोलोगे तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है किसी भी नेमिंग कन्वेंशन में। जैसे कि अगर आपको स्टोर करना है रोल नंबर, तो स्पेस दे के आप नहीं कर सकते, एरर देगा ये। नंबर वन आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे भी फोल्डर नेम हो, फाइल नेम हो, व्हाटएवर, आप बिल्कुल भी स्पेस नहीं दोगे। नंबर एक,
स्पेस नॉट अलाउड, नाम में आप स्पेस नहीं रख सकते. नंबर टू, शुड नॉट स्टार्ट विद द न्यूमरिक, नंबर से न्यूमरिक. और तीसरा है, शुड नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स लाइक एज अ स्टार, हैश, ये ना यूज करना है आपको. देन फोर्थ है कि आपको जो ये लिखना है, मीनिंगफुल नेम होने चाहिए, मीनिंगफुल नेम होने चाहिए. नेमिंग कन्वेंशन जिसे बोलते हैं, नेमिंग कन्वेंशंस आपके सही होने चाहिए, नेमिंग कन्वेंशंस. एंड फिफ्थ, फॉलो कैमल केस, कैमल केस फॉर वेरिएबल, फंक्शन एंड सिक्स, यूज और शुड यूज कैपिटलाइज केस, कैपिटलाइज केस फॉर क्लास नेम. ये वाले आपको स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से आपको फॉलो करने हैं, ठीक है. और डू नॉट यूज रिजर्व कीवर्ड, ये यूज नहीं करने. फॉर एग्जाम्पल, कंसोल आपका रिजर्व कीवर्ड है, तो आप वेरिएबल का नाम ऐसे ना रखें, लेट कंसोल, ये नहीं अलाउड है आपके लिए, आप ना लिखें इसे. जैसे कि लॉग आपका रिजर्व कीवर्ड है, यानी कि इंटरनली प्रोग्रामिंग में यूज किया जा रहा है, उसे ना लिखें. ये है. हाँ, अगर आपको कैमल केस का मतलब क्या है, तो देखो, शुरुआत मैंने स्मॉल लेटर से किया है, और जो नेक्स्ट वर्ड शुरू हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कैपिटल कैपिटल से. जी हाँ, बिल्कुल. और कैपिटलाइज ईच जो है, कैपिटलाइज केस का कैसे है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और नेक्स्ट वर्ड का भी कैपिटल होगा. ये क्लास नेम, अभी आप क्लास तक तो पहुंचेंगे नहीं अभी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है. और मीनिंगफुल यानी कि नेमिंग कन्वेंशन जो है, अगर मैं रोल नंबर और आपका फर्स्ट नेम, जैसे कि अगर आप रोल नंबर स्टोर करना चाहते हैं, सोचिए अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा और इसमें मैंने 1 2 3 4 रोल नंबर लिखा, अगर मैंने यहाँ पे बी लिखा और उसमें मेरा नाम लिखा, लेट्स सी, अगर कोई दूसरा प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामर आए तो ए को क्या समझे, व्हाट इज दिस वैल्यू रिप्रेजेंट, ये आधार नंबर है या पैन नंबर है, कैसे समझेगा, ये समझ पाएगा कोई, इट इज नॉट रॉन्ग और कोई एरर नहीं दे देगा, बट ये जो नाम होने चाहिए ना, कि आप जो डेटा स्टोर कर रहे हैं उसका जो पर्पज है वही लिखे, ये मैंडेटरी है और स्टैंडर्ड है. जैसे कि मुझे अगर पैन कार्ड लिखना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पैन कार्ड इक्वल टू, लेट्स सी, जो भी आपको लिखना है इस तरीके से. तो क्या आप लोगों को ये रूल समझ में आए हैं कि किस तरीके से आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर्स इनिशलाइज करना है? यस सर, यस सर.